नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता, प्रस्ताव दर्ता भैला संगे स्वतः निलंबित। नेकपा एकीकृत समाजवादी बारे वैधानिकता के सवाल उठी, तो सही न होके के अध्यक्ष नेपाल के चेतावनी। एमसीसी के कारण नेपाल के रणभूमि बनाव के ना मिले के तर्क। प्रतिक्रियावादी सबकी सब गठबंधन सरकार गिरावे के प्रयास कर रहा, माओवादी अध्यक्ष दहाल के आरोप। जनयुद्ध से परिवर्तन भइल दावी। रूस से यूक्रेन में आक्रमण कैला पर ओकर प्रतिकार करे के अमेरिका के चेतावनी। आक्रमण होकी तो 50,000 नागरिक के जान जा सके के अनुमान। आ बेंजिंग विंटर ओलंपिक में जर्मनी तालिका के शीर्ष स्थान में, न्यूजीलैंड आए सलाक भाटिया समान 1 स्वर्ण। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइल बा। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के 98 सांसद संसद सचिवालय में महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता करौले बाटे लोग। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइला संगे जबरा स्वतः निलंबन में परल बानी। प्रस्ताव में माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुंग, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाला, नेकपा एकीकृत समाजवादी के जीवन राम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहल संसद सचिवालय जनौले बा। संसद सचिवालय के मुताबिक 3 जने प्रस्तावक आ 95 जने समर्थक करके 98 जने के हस्ताक्षर रहल बाटे। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध 21 बुधे आरोप प्रस्तुत कैल गेल बाटे। महाअभियोग दर्ता भइला बाद जबरा महाअभियोग के पत्र बुझत सर्वोच्च से बाहर निकल गेल बानी। यह बीच बिहान बुलाओल गेल प्रतिनिधि सभा के बैठक भी 4 गते खातिर बुलाओल गेल बा। सर्वोच्च अदालत परिसर में प्रदर्शन करे के खोजल कानून व्यवसायी आ प्रहरी बीच झड़प भइल बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांगत, फेरू भौतिक उपस्थिति में प्रदर्शन में उतरल कानून व्यवसायी सबके प्रहरी से रोके के खोजला बाद झड़प भइल हुए। बार एसोसिएशन के भवन तरफ से सर्वोच्च प्रवेश करे के खोजला पर प्रहरी गेट पर ही रोकले रहे। ओकरा बाद कानून व्यवसायी सब मूल सड़क में निकलल सर्वोच्च के मूल गेट तरफ गइल रहे। प्रहरी से मूल गेट में भी रोकला बाद कानून व्यवसायी सब सड़क में प्रदर्शन कैल रहे। उल्लेखनीय संख्या में प्रहरी आ दंगा नियंत्रण टोली के सर्वोच्च परिसर में परिचालन कैल गेल बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी के वैधानिकता बारे सवाल उठी, तो सही न होके के चेतावनी दिले बानी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैधानिकता के सवाल उठावत दायर कैल मुद्दा अदालत में विचाराधीन हो रहल समय अध्यक्ष नेपाल के ऐसन कहनाम बाहर आयल हुए। वहाँ के अपन पार्टी से कानूनी आधार में वैधानिकता मिलल और अपना सबके सांसद के रूप में स्वीकार करके स्थिति बनल दावी समेत कैनी। इतवार के काठमांडू में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में बोलत, पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन मिल के 3 गो तह के चुनाव में जाए के कहत। स्थानीय तह के निर्वाचन में जुटे के खातिर पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन समेत देने। हमें वैधानिक रूप में निर्माण भएको पार्टी हौ र हामीले कानूनी आधार में पार्टी को मान्यता पाएका छौ र सांसद को रूप में हम अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएका भन्छौ। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औलो ठड्याउन खोज्छ भने हामी सहन गर्दैनौ। अध्यक्ष नेपाल देश के हित में कुठाराघात ना होखोला हिसाब से एमसीसी के आगे बढ़ाव के चाहल भी बताउनी। अध्यक्ष नेपाल एमसीसी के कारण नेपाल के रणभूमि बनावे के पक्ष में अपना सब ना रहल समेत स्पष्ट कैने। बुझ्न खोजिरहेका छौँ, फैलिएका आशंकाहरू के छन् त्यो पनि बुझ्न चाहिरहेका छौँ र जनताको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी देशको हितमा कोठाराघात नहुने गरी र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुने गरी हाम्रो समस्यालाई, हाम्रो आफ्नै किसिमको परिवेशलाई अरूले पनि बुझिदिउन् भन्ने चाहना राख्ने गरी अध्यक्ष नेपाल एमसीसी बारे फैलल आशंका बारे अभी भी बुझे के आवश्यकता रहल बताउनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिक्रियावादी शक्ति सब गठबंधन सरकार गिराव के प्रयास कर रहल बताउले बानी। इतवार के पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित
27वां जनयुद्ध दिवस के अवसर में बोलत अध्यक्ष दाहाल, प्रतिक्रियावादी शक्ति सब गठबंधन सरकार गिराव के प्रयास कर रहा बताने हाँ। वहाँ के गठबंधन के टुटाव के खातिर और निर्वाचन प्रक्रिया के भाड़े के खातिर अनेक खाल के प्रपंच सब हो रहा समेत बताने। अध्यक्ष दाहाल गठबंधन बनावला पर कुछ सैद्धांतिक और कुछ राजनीतिक मान्यता सब के आगे बढ़ावल कहत, उहे मान्यता के आधार में गठबंधन आगे बढ़े के वहाँ के बताने। यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्। हामीले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र तिनै मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनाएका हौँ। अध्यक्ष दाहाल संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा अनि राष्ट्रियताको रक्षामा एकमत होके गठबंधन बनल कहत, कोनो भी किसिम के परियोजना करे के और ना करे के आधार में गठबंधन ना बनल स्पष्ट कहनी। वहाँ के कोनो देश विदेश विशेष से कई सहमति समझौता वा परियोजना आर्थिक सहयोग लेनदेन और उकर आधार में गठबंधन ना बनल कहत, नेपाल के संविधान, नेपाल के लोकतांत्रिक गणतंत्र और राष्ट्रीयता के रक्षा के खातिर लड़े पड़े के बताने। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति समझौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अध्यक्ष दाहाल प्रदेश और केन्द्रीय सरकार सब जनयुद्ध दिवस मनावे के आवश्यकता रहल बताउनी। वहाँ के मधेश प्रदेश ई बरस साहसपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनावल बतावत, आवेला दिन में दोसर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार भी ई दिवस मनावे के विश्वस्त रहल बताउनी। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के दाम एक ही दिन 1,500 रुपया से बढ़ल बाटे। नेपाल सुनचादी व्यवसाय महासंघ के मुताबिक सुख के तोला में आज एक दिन सोना तोला में 1,500 रुपया से बढ़ के छापा वाला सोना 95,500 पुगल बाटे। बीतल सुख के छापा वाला सोना प्रति तोला 94,000 रुपया, तेजाबी सोना 93,500 रुपया में कारोबार भइल रहे। वही लेखा आज सोना संगे ही चांदी के दाम भी बढ़ल बाटे। तीन दिन अर्थात बुध के सुख तक स्थिर रहल चांदी के दाम आज तोला में 200 रुपया से बढ़ के तोला के 1,300 रुपया कायम भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। बेन्जिङ विंटर ओलंपिक में जर्मनी पद के तालिका में शीर्ष स्थान में धावत बाटे। जर्मनी 8 स्वर्ण 5 रजत आ 1 कांस्य सहित पदक तालिका के शीर्ष स्थान में बाटे। नर्वे 8 स्वर्ण जीतत 3 रजत आ 6 कांस्य पदक हासिल कैले बाटे। अमेरिका 5 स्वर्ण 5 रजत आ 1 कांस्य तथा नेदरलैंड्स 5 स्वर्ण 4 रजत आ 2 कांस्य पदक जितले बा। पांचवें स्थान में रहल स्वीडेन 5 स्वर्ण 2 रजत आ 3 कांस्य हासिल कैले हुए। ऑस्ट्रिया 4 स्वर्ण 6 रजत आ 4 कांस्य जितले बा। आयोजक चीन 4 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित जम्मा 8 पदक हासिल कैले बाटे। रूस ओलंपिक कमिटी 3 स्वर्ण 4 रजत आ 6 कांस्य, इटली 2 स्वर्ण 5 रजत आ 4 कांस्य जितले बा। जापान 2 स्वर्ण 3 रजत 5 कांस्य, स्लोभेनिया 2 स्वर्ण 1 रजत आ 2 कांस्य तथा स्विट्जरलैंड 2 स्वर्ण आ 5 कांस्य हासिल कैले बा। फ्रांस 1 स्वर्ण 6 रजत, कैनेडा 1 स्वर्ण 4 रजत आ 8 कांस्य तथा ऑस्ट्रेलिया आ दक्षिण कोरिया समान 1 स्वर्ण 2 रजत आ 1 कांस्य जितले बाटे। फिनलैंड 1 स्वर्ण 1 रजत आ 2 कांस्य, चेक रिपब्लिक 1 स्वर्ण आ 1 कांस्य तथा न्यूजीलैंड आ स्लोभाकिया समान 1 स्वर्ण प्राप्त कैले बा। बेलारूस आ स्पेन समान 1 रजत आ हंगेरी 2 कांस्य जितले बाटे। बेल्जियम, लाटभिया आ पोलैंड समान 1 कांस्य जितले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, प्रस्ताव दर्ता भइला संगे ही स्वत निलंबित। नेकपा एकीकृत समाजवादी बारे वैधानिकता के सवाल उठी तो सही ना होके के अध्यक्ष नेपाल के चेतावनी।
एमसीसी के कारण नेपाल के रणभूमि बनाओ के ना मिले के तर्क। प्रतिक्रियावादी शक्ति सब गठबंधन सरकार गिराओ के प्रयास कर रहल माओवादी अध्यक्ष दाहाल के आरोप जनयुद्ध से परिवर्तन भइल दाबी। रूस से यूक्रेन में आक्रमण कैला पर ओकर प्रतिकार करे के अमेरिका के चेतावनी आक्रमण हो कि तो 50,000 नागरिक के जान जा सके के अनुमान। आ बेंजिंग विंटर ओलंपिक में जर्मनी तालिका के शीर्ष स्थान में न्यूजीलैंड आ स्लोवाकिया के समान एक स्वर्ण। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।